कन्याकुमारी मरियम ना केवल निष्पाप रही बल्कि निष्कलंग जन्मी। कन्याकुमारी मरियम के निष्कलंग गर्भागमन के सत्य के विषय में 10 बातें। ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर वर्ष दिसंबर 8 तारीख कैथोलिक कलीसिया कन्याकुमारी मरियम का निष्कलंक गर्भागमन का महापर्व मनाती है, समारोह मनाती है। इस विश्वास को समझने के लिए 10 महत्वपूर्ण बातें। सर्वप्रथम, निष्कलंक गर्भागमन का अर्थ क्या है? यह यीशु का मरियम के गर्भ में आने के बारे में नहीं है, बल्कि यह कन्याकुमारी मरियम का उनकी मां अन्ना के गर्भ में आने के बारे में है। कलीसिया ये विश्वास करती और ये लोगों को सिखाती है कि मरियम जिस क्षण अपनी मां अन्ना के गर्भ में आई, तब से लेकर वो निष्कलंक है, निष्पाप है। इस विषय को हम आगे समझते जाएंगे। दूसरा है, निष्कलंक गर्भागमन निष्कलंक गर्भधारण से अलग है। निष्कलंक गर्भागमन कन्याकुमारी मरियम के बारे में है, उनका अपनी मां अन्ना के गर्भ में आने के उस दिन को मनाना है, लेकिन यह निष्कलंक गर्भधारण से अलग है। निष्कलंक गर्भधारण कैथोलिक कलीसिया मार्च 25 को मनाती है। अभी आपको समझ में आया होगा, वो यीशु का मरियम के गर्भ में आने का दिन, यानी दिसंबर 25 तारीख को हम प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाते हैं, उसके 9 महीने पहले निष्कलंक गर्भधारण का महापर्व या समारोह मनाया जाता है। अंग्रेजी में उसको वर्जिनल कंसेप्शन कहते हैं, यानी यीशु का मरियम के गर्भ में आने के बारे में, और मरियम का उनकी मां अन्ना के गर्भ में आने के बारे में कहा जाता है इमैकुलेट कंसेप्शन। मरियम निष्कलंग अपनी मां अन्ना के गर्भ में आई और सदा निष्कलंग रही। तीसरा बिंदु है इतिहास। कैथोलिक कलीसिया में जो भी विश्वास रहा है, ये वास्तव में प्रारंभ से ही रहा है, लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं, बिंदु हैं, जिसको हम समझ नहीं पाए हैं। निष्कलंक गर्भागमन भी उनमें से एक है। प्रारंभ से ही कलीसिया में अलग अलग ग्रुप में जो विद्वान लोग हुआ करते थे, उन लोग में से कुछ लोग इसको स्वीकार नहीं कर रहे थे। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि यदि हम कहें कि मरियम अपनी मां के गर्भ से ही, प्रारंभ से ही निष्कलंक रही है, तो यीशु उनके मुक्तिदाता नहीं हो सकते। लेकिन इसका क्या कारण है, वो सबके बारे में हम थोड़ा बाद में देखेंगे आने वाले बिंदुओं में। लेकिन यहां हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि प्रारंभ से ही कलीसिया यह विश्वास करती आ रही है कि मरियम हम सबसे अलग है, वो निष्पाप है। भले ये अलग अलग जगहों में त्योहार के रूप में मनाया जाता आ रहा है, संत पिता सिक्स्तुस चौथे ने 1476 में इस त्योहार के उपलक्ष में विशेष मिसा बलिदान के लिए अनुमति दी, और संत पिता क्लेमेंट 9 ने 1708 को इसको एक समारोह के रूप में घोषित किए और आदेश दिए कि विश्वव्यापी कलीसिया में यह त्योहार मनाया जाए। लेकिन यह एक सिद्धांत या डॉगमा बना 1854 में। वो है चौथा बिंदु, निष्कलंक गर्भागमन का डॉगमा। डॉगमा क्या होता है? यदि आप एक कैथोलिक विश्वासी हैं, तो हमें इस सत्य को मानना ही पड़ेगा, वो डॉगमा कहलाता है। धर्म सिद्धांत हम कह सकते हैं हिंदी में, लेकिन वो वास्तव में पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा है। तो दोनों शब्दों को याद रखिएगा, डॉगमा और धर्म सिद्धांत। मरियम के बारे में कलीसिया में 4 डॉगमास हैं, उनमें से ये निष्कलंक गर्भागमन एक है।
कलिसिया की मांग को देखकर और विश्वव्यापी कलिसिया में जो विश्वास इस सत्य पर रहा उसको देखते हुए संत पिता पीयूस 9वें ने दिसंबर 8, 1854 को इस डॉग्मा की घोषणा किए और कहे कि हमें इस सत्य पर विश्वास करना ही है। पांचवा बिंदु, आदि पाप और उसका फल। निष्कलंक गर्भागमन का अर्थ हम थोड़ा पहले देख चुके हैं, लेकिन अभी हम इस बिंदु पर हम यह मनन करेंगे कि वास्तव में आदि पाप क्या होता है। हम इस विषय पर पहले एक अलग वीडियो बना चुके हैं, आप जरूर उसको पूर्ण रूप से देखिए, सुनिएगा, ताकि आप पूरा समझ पाएंगे। लेकिन यहां ये दो बिंदुओं को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला है, आदि पाप हमारा पाप नहीं है, वो आदम और हेवा का पाप, लेकिन उसका नतीजा, उसका फल आपके और मेरे ऊपर है। हर मानव व्यक्ति के ऊपर उसका फल है। तो हम मां के गर्भ में ही पापी माने जाते हैं, क्योंकि ये आदम और हेवा का वो जो आदि पाप है वो सारी मानव जाति में एक स्थिति को उत्पन्न किया, एक स्थिति है, और इस स्थिति में हम हमेशा रहेंगे। कब तक? जब तक ईश्वर हमें इससे ना छुटकारा दे। इसका अर्थ यह है कि हम ईश्वर से अलग कर दिए गए हैं, हम पापी हैं। पापी होने का अर्थ हम अपवित्र हैं, ईश्वर की पवित्रता हम में नहीं है, उसी का अर्थ है आदि पाप का जो स्थिति है। तो इसका फल क्या क्या है? सबसे पहला मृत्यु, दूसरा ईश्वरीय पवित्रता से वंचित रखे जाना, और तीसरा इसके कारण हम पूर्ण पवित्र जीवन नहीं जी पाना। यह हमें छठवें बिंदु पर ले जाता है, निष्कलंक गर्भागमन क्यों अनिवार्य है। आपको और मुझे अपनी मां को चुनने का कोई अवसर नहीं मिला, लेकिन यीशु को, ईश पुत्र को अपनी मां को चुनने का अवसर मिला। ईश्वर अपनी मां को चुने, वे निर्धारित किए कि उनकी मां कौन होगी, किसके द्वारा वे इस धरती पर आएंगे। तो ईश पिता अपने पुत्र के शरीर धारण के लिए एक सुयोग्य व्यक्ति को प्रारंभ से ही चुनकर रखे, वही है मरियम। इसकी घोषणा ईश्वर उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:15 में करते हैं, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा, वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। तो यह स्त्री कौन है? यह है ईश्वर की मां मरियम। तो इनके बारे में पूर्व में ही, यानी प्रारंभ में ही ईश्वर इसकी घोषणा कर दी। मुक्तिदाता को इस दुनिया में एक निष्कलंग निर्दोष गर्भ की जरूरत था, इसलिए मरियम को ईश्वर निष्कलंग बनाए। यह ले जाता है हमें सातवें बिंदु, यीशु सभी के मुक्तिदाता है और मरियम के भी यीशु मुक्तिदाता है। लेकिन हम देखें कि मरियम निष्कलंग जन्मी है, तो उन्हें मुक्तिदाता की क्या जरूरत थी? वास्तव में ईश्वर अपने पुत्र के जो मुक्तिदायी जीवन और मृत्यु के फलों को मरियम को पहले से ही दे दिए। उसके बारे में हम आगे आने वाले एक बिंदु पर मनन करेंगे। यीशु के जीवन और मृत्यु के फलों को जो हम संस्कारों के रूप में प्राप्त करके हम मुक्ति पाते हैं, उन फलों को ईश्वर मरियम को उनके जन्म के पहले से ही उन्हें दी। तो यीशु अपनी मां मरियम का भी मुक्तिदाता है। इसको हम कैसे समझें? तो वो आठवां बिंदु है कि ये मुक्ति मरियम को कैसे मिलती है। जैसे हम शुरू में देखे कि कलीसिया में कुछ महान संत लोग इसको मानने से इंकार किए, उसका कारण यह था कि कैसे हम ये सिद्ध करें, समझें कि मरियम निष्कलंग जन्मे और यीशु उनके मुक्तिदाता बने। यदि कोई पापी नहीं है तो उनके मुक्तिदाता की क्या जरूरत है? तो मरियम निष्कलंग है, निष्पाप है, उन्हें मुक्तिदाता की क्या जरूरत थी? लेकिन यदि हम कहें कि यीशु
मरियम का भी मुक्ति दाता है, तो हम इसको सिद्ध कैसे करें, इसको हम कैसे समझें? इसको वास्तव में धन्य योगन डन स्कॉटस नामक एक फ्रांसिस्कन पुरोहित इसको कलीसिया को समझने में मदद किए थे। ये कब हुआ? 13वीं सदी में। और वे हमें ये समझाते हैं यीशु के मुक्ति के फल हमें दो रूप में मिल सकते हैं। एक है जो हमें पाप से बचाए रखने में मदद करता है, दूसरा है हमें पाप में गिरने के बाद हमें बचाता है। पाप करने से पहले बचाना एक और पाप करने के बाद में बचाना एक। तो वे कहते हैं मरियम को ईश्वर उन्हें बचाए रखे, और ये बचाए रखना ये केवल उनके व्यक्तिगत पाप से बचाए रखना केवल नहीं, आदि पाप से भी बचाए रखना। तो ईश्वर जो आदम और हेवा को निष्कलंग बनाए, उसी प्रकार मरियम यीशु की मां को, ईश्वर की मां को भी निष्कलंग बनाए। यह हमें ले जाता है 9वां बिंदु। मरियम इस डॉगमा जो 1854 को घोषित किया गया था, उसके बाद जब भी दर्शन दी है वो हमेशा अपने आप को इमाकुलाता यानी निष्कलंगा के रूप में वो प्रकट करती आ रही है। 25 मार्च 1858 को मरियम 14 साल की बर्नदत को फ्रांस देश के लूट्स नामक जगह पे दर्शन दी थी। वहां धन्य कुमारी मरियम अपने आप को निष्कलंग गर्भागमन के रूप में प्रकट की। आई एम द इमैक्युलेट कंसेप्शन। तो ये कलीसियाई जो विश्वास रहा, जो डॉगमा की घोषणा की, उसको और भी दृढ़ कर दिया। 10वां बिंदु है मरियम ना केवल निष्कलंग है बल्कि निष्पाप भी है। ईश्वर आदम और हेवा को भी निष्कलंग बनाए थे, उनमें कोई भी दोष या कलंक या पाप नहीं था, लेकिन वे पाप किए। लेकिन मरियम जो निष्कलंक बनाई गई उनके समान, वो अपने जीवन काल में कभी भी पाप नहीं की। इसलिए मरियम ना केवल निष्कलंक है बल्कि निष्पाप भी है। वो जन्म के पहले से ही वो निष्कलंक बनाई गई थी, और ईश्वर की कृपा से वो अपने आप को बचाए रखी और निष्पाप रही। ये रहे निष्कलंक गर्भागमन के बारे में जानने का 10 बिंदुएं या सच्चाइयां। इसके अंत में इसका अर्थ हम क्रिश्चियनों के लिए क्या हो सकता है, इसका मतलब हमारे लिए, आपके लिए और मेरे लिए क्या हो सकता है? हम धन्य हैं क्योंकि ईश्वर हमें ऐसी एक मां को दिए हैं जो निष्कलंक है, जो दूसरी हेवा कहलाती है। इसके बारे में हम दूसरा एक वीडियो बनाए हैं, आप जरूर देखिएगा। ना केवल ये वीडियो, हमारे चैनल में 60 वीडियो से ज्यादा है जो हम मां मरियम के बारे में बनाए हैं। अभी तक हम कोशिश करेंगे डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में देने के लिए, फिर भी आप ढूंढ कर देखिए, आपको मिलेगा। तो इसका अर्थ हमारे लिए क्या है? हमारी प्रथम मां हेवा ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके पाप का कारण बनी, मृत्यु का कारण बनी, लेकिन ये दूसरी हेवा ईश्वर की आज्ञा का पालन करके मुक्ति का कारण बनी। हम इस मां के पास जाएं, इस विश्वास को दृढ़ रूप से पूर्ण रूप से जीने की शक्ति सामर्थ्य हम इस महान मां ईश्वर की मां के द्वारा ईश्वर से मांगे। ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें।